हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक लाइन्स एंड फोर्सेस। तो आपको बता दूं मैं कि अगर आपके पास कोई चार्ज होता है और हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है, तो हम क्या करते थे। सपोज हमारे पास कोई चार्ज है क्यू और हमें पॉइंट पी पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर हम या तो टेस्ट चार्ज रखते थे। अगर हमने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा तो आपको पता है फोर्स हमारा क्या होगा, के क्यू बाय, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस आर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आता था, फोर्स बाय डिस्चार्ज। तो फोर्स कितना होगा, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर क्यू नॉट, इतना आ गया। दैट मीन्स ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फील्ड। एक्चुअल में ये फोर्स कैसे लगा, एफ इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर कैसे लगा, आज हम बात करने वाले हैं उस पर। तो सपोज ये आपका कोई चार्ज है, ये आपका कोई चार्ज है किसी स्पेस में। सपोज ये मेरा कोई रीजन है, स्पेस है, और एक चार्ज हमने यहाँ पे प्लेस्ड कर दिया। ये कोई स्पेस था हमारा और हमने क्या किया, एक चार्ज को प्लेस्ड कर दिया। तो यहां से हमारा लाइन से फोर्स क्या होता है, क्रिएट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, लाइन से फोर्स होता है। ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है लाइन से फोर्स को रिप्रेजेंट करने का। हमने बोला कि फोर्स हमारा इतना हो गया, कैसे पता चला। अगर कोई चार्ज इसके नजदीक में आता है तो फोर्स लगना चालू होता है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं तब भी हमारा फोर्स लग रहा है। तो माइकल फैराडे ने बताया, ये जो टर्म है माइकल फैराडे ने बताया कि ये जो चार्ज है एक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है, फील्ड बनाता है एक स्पेस में, एक स्पेस में एक फील्ड बनाता है। अगर कोई चार्ज इसके नज़दीक में आता है तो फोर्स लगना चालू होता है, या हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो हमारा ये वैल्यू होता है। दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, बट अगर हम एक ग्राफ में एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विजुअलाइज करें तो कैसे करेंगे, हम आज वो देखने वाले हैं। देखिए, ये जो चार्ज था, ये इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स हमारा क्या हुआ, यहाँ से निकला, और जैसे ही कोई चार्ज को इसके नज़दीक में लाते हैं तो फोर्स लगना चालू होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो दिखता नहीं है, दिस इज नॉट विजिबल, दिस इज इमेजनरी लाइन्स। ये जो लाइन्स रेडियली निकल रहा है बाहर, ये दिखता आपको नहीं है, बस ये माना गया ऐसा हुआ है क्योंकि फोर्स हमारा लग रहा है। जब फोर्स लग रहा है तो कोई चीज़ यहाँ से निकल रहा होगा, तभी तो फोर्स हमारा इतना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इतना आया। ठीक, तो दिस इज नथिंग बट अ विजुअलाइजेशन ऑफ डिस्चार्ज। मतलब आज हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं इसके कुछ प्लॉट्स, ग्राफ्स, और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक, तो चलिए हम इसके अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहला प्रॉपर्टीज हमारा जो होगा, इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन से फोर्स है, जो लाइन से फोर्स हमारे होंगे पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे, और जो लाइन से फोर्स हमारे होंगे वो नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाएंगे। सपोज ये आपका कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका नेगेटिव चार्ज है। हमने क्या बोला, जो लाइन से फोर्स होगा हमने क्या बोला जो लाइन से फोर्स होंगे वो पॉजिटिव चार्ज से निकल जाएंगे बाहर, और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, ऐसा हमारा होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो लाइन से फोर्स हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी से इन पे आएगा। दैट मीन्स इन्फिनिटी से लेकर इस चार्ज पे आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इस चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा और इन्फिनिटी तक जा रहा है हमारा। तो ये पहला हमारा होगा प्रॉपर्टी। अगर हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें,
इसके हम अगर दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, अगर हम दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व एंड नेवर ब्रेक। ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स हमारा होता है वो कॉन्टिन्यूअस इन नेचर में होता है, ब्रेक कहीं नहीं करता है। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज हमारा है तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स हमारा निकल रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस ही है। ऐसा माना क्या है, इन्फिनिटी तक जो भी चार्ज हमारा जा रहा है, लाइन्स ऑफ फोर्स हमारा जा रहा है, वो कंटिन्यूअस है, वो ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अगर हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में जाने, दैट मीन्स द टेंजेंट ड्रॉन टू द फील्ड लाइन्स गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम फील्ड लाइन, हमारा जो लाइन्स ऑफ फोर्स है, सपोज ये मेरा कोई लाइन्स ऑफ फोर्स है, अगर हम इस पर टेंजेंट डालते हैं, सपोज पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है, अगर हम पॉइंट पी पॉइंट क्यू पे कोई टेंजेंट डालते हैं तो जो टेंजेंट हमारा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताएगा एट दैट पॉइंट। इसी पॉइंट पे हमारा जो इंटेंसिटी होगा उसकी वैल्यू को बताएगा। हमने क्या बोला, इस पर टेंजेंट डाल दिया, सपोज पी पॉइंट पे हमने टेंजेंट डाल दिया और क्यू पॉइंट पे हमने क्या हुआ टेंजेंट डाल दिया, दैट मीन्स ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू को बता रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हुआ पी का बता रहा है। द टेंजेंट ड्रॉन टू द फील्ड लाइन्स, ये जो मेरा फील्ड है, ठीक है, द टेंजेंट ड्रॉन टू द फील्ड लाइन्स गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। चलिए फोर्थ की बात करते हैं हम, तो इट नेवर क्रॉस टू ईच अदर, इफ दे डू देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव टू वैल्यू विच इज नॉट पॉसिबल। देखिए इसका मतलब क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आपस में कभी कट नहीं करेंगे, अगर कट करेंगे तो उनका दो वैल्यू आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों, आपको बता रहा हूं मैं। देखिए ये हमारा एक लाइन से फोर्स ऐसे है, एक हमारा लाइन से फोर्स ऐसे है। सपोज अगर हम इस पॉइंट पे इस लाइन से फोर्स वन टू पे, अगर वन पे इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इस पर टेंजेंट डाल देगा ऐसे करके ई वन, इसी पॉइंट पे अगर हम टू पे देखें तो इस पर टेंजेंट डाल देगा ई टू। आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों वैल्यू आपस में कट कर रहे हैं, ये दोनों वैल्यू आपस में इस पॉइंट पे कट कर रहा है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, और आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी किसी एक पॉइंट पे, उनका दो डायरेक्शन नहीं हो सकता ना, उसकी वैल्यू हमारी दो हो सकती है। किसी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हमारा हो सकता है, एक ही मैग्नीट्यूड हमारा हो सकता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक पॉइंट पे हमारा दो वैल्यू और दो डायरेक्शन, जो कि इम्पॉसिबल। इसलिए हमने बोला इट नेवर क्रॉस टू ईच अदर, इफ दे डू देन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा दो हो जाएगा और डायरेक्शन भी हमारी क्या दो, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। इट फॉर्म्स द क्लोज लूप, इट नेवर फॉर्म्स द क्लोज लूप, इट नेवर फॉर्म्स द क्लोज लूप। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी लाइन से फोर्स हमारा होगा ना वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे हमारे। कैसे नहीं बनाएंगे, हमने क्या बोला क्लोज लूप बनाने के लिए, क्लोज लूप बनाने के लिए मान लीजिए प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, ठीक है। और हमने बोला कि यहाँ से हमारा क्या होता है, लाइन से फोर्स निकलता है, यहाँ से हमारा लाइन से फोर्स निकलता है और यहाँ टर्मिनेट होगा,
पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में क्या होगा, टर्मिनेट हुआ, यहाँ से निकला हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, टर्मिनेट हो रहा है। मतलब ओरिजिन कहाँ था, ओरिजिन हमारा प्लस था जहाँ से निकल रहा है, और टर्मिनेशन क्या हो रहा है, माइनस पे हो रहा है। हमने बोला कि ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा। क्लोज लूप बनाने के लिए क्या होता है कि जहाँ से निकला, यहाँ से निकला और यहीं तक, अगर ये लाइंस यहाँ तक आ गया हमारा, क्यू से निकला और क्यू तक आ गया हमारा, तो मेरा क्या होगा, क्लोज लूप बनाएगा। आप क्या देख रहे हैं, क्यू से निकला और माइनस क्यू तक खत्म हो जा रहा है, क्या क्लोज लूप बना रहा है क्या। आप इस लाइंस को देखिए, इस लाइन को देखिए आप, ये लाइन हमारा यहाँ से आ गया, ये लाइन हमारा यहाँ से आ गया। क्लोज लूप बनाने के लिए यहाँ से निकलना चाहिए और यहाँ से ख़त्म होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं, इसीलिए हमने बोला इट नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। ठीक है, चलिए हम इसके आगे प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। सिक्स, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बोला किसी एरिया से, अगर हमारा कोई एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, सरफेस एरिया है, वहाँ से हमारा लाइन से फोर्स अगर निकलता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मैग्नीट्यूड का होता है। सपोज हमने ये बोला कि हमारा ये कोई एरिया है, यहाँ से हमारा क्या निकल रहा, लाइन से फोर्स हमारा निकल रहा, ये हमारा क्या हो रहा, लाइन से फोर्स निकल रहा, ये हमारा लाइन्स ऑफ फोर्स। हमने क्या बोला कि द लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में जितना लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा, मतलब जितना क्राउड होगा, जितना डेंसिटी होगा, मैग्नीट्यूड बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर डेंसिटी इसका ज़्यादा है, सपोज इसका डेंसिटी अगर ज़्यादा है, इसका डेंसिटी अगर ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मेरा क्या होगा, ज़्यादा होगा। डेंसिटी इसका कम है तो मेरा क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो ये बता रहा है हमारा, ठीक है, ये आपको याद रखना। अगर हम इसके कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में देखें, एक और प्रॉपर्टी हमारा देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों सेम ही है, इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, यहां से हमारे लाइन से फोर्स अगर निकलता है, तो यहां पे इसका फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो होने वाला है। यहाँ क्या होगा, मेरा फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ऐसा देखा गया, ठीक है। और जो यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगे वो रेडियली निकलेंगे, मतलब सरफेस के 90 पे। अगर सरफेस बाहर बात कर रहे हैं हम, सरफेस से 90 पे निकलता है, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो चलिए कुछ हम ग्राफ्स देखते हैं, कुछ हम फिगर देखते हैं, ठीक है। चलिए, आपके एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसका हमें बताइए लाइन्स ऑफ फोर्स कैसा होगा, ठीक है। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से हमारा क्या होता है, लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है, कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। आप चलिए कर दीजिए, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, इधर जाएगा नहीं, ये हमारा हो गया। अगर हम इसकी बात करें,
ये हमारा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लाइन से फोर्स हमारा होगा ना, इधर नहीं जाएगा वो, क्योंकि पॉजिटिव है। इसका जो लाइन से फोर्स होगा इधर नहीं आएगा हमारा। तो आपके एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका लाइन से फोर्स हमारा ऐसे होगा, और डायरेक्शन जो होगी वो बाहर निकलेगा, दैट मीन्स इसका जो डायरेक्शन होगा बाहर जाएगा, ठीक है। अगर हम तो नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, सपोज हमने तो नेगेटिव चार्ज लिया माइनस क्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है, ये लाइन्स हमारी ऐसी भी कुछ बन रही होगी, सॉरी ऐसा हुआ होगा मेरा, अब देखिए नेगेटिव चार्ज का हमने क्या बताया था, कि ओरिजिन कहाँ से आता है, इन्फिनिटी से आता है, और कहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाएगा मेरा। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें हम, तो नेगेटिव चार्ज में हमने क्या बोला था, नेगेटिव चार्ज में हमने ये बोला था कि जो लाइन्स ऑफ फोर्स होंगे वो इन्फिनिटी से आते हैं और टर्मिनेट हमारा यहाँ पे करेगा, दैट मीन्स ये आ रहा है इनवर्ड, बाहर से आ रहा है, ये बाहर से आ रहा और चार्ज इस पर ख़त्म हो रहा है, ये मेरा होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ग्राफ हमारा सेम होगा, बस ये बाहर निकलेगा और वो अंदर आएगा, ठीक है। अगर हम डाइपोल की बात करें, डाइपोल मतलब क्या होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, और इनके बीच का हमारा सेपरेशन होता है, ठीक है, ये हमारा हो गया। हमने क्या बोला, डाइपोल से माइनस से प्लस हमारा जाएगा, ठीक है, ऐसे हमारा जाएगा, ये हमारा हो गया। और बाहर निकाला प्लस, और ये माइनस में क्या हो रहा है, एंट्री कर रहा है। तो ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलेगा डाइपोल का, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्सेस, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, ठीक है। मिलते हैं कल, थैंक यू।